हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्वेता हियर। आज मैं आपको कुछ हेयर केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। हेयर ऐसी चीज है कि जिसमें चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर यंगस्टर्स हो, एवरीबॉडी वांट्स गुड नाइस लॉन्ग लस्ट्रस हेयर। बिकॉज हेयर के बारे में हमने पहले से सुना है, इट इज कॉल्ड एज अ क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ अ बॉडी, और बच्चे ने भी स्टोरी सुनी है उसके बारे में, वेदर इट इज रुपेंजल। रुपेंजल हैड नाइस लॉन्ग हेयर एंड चिल्ड्रन लव टू मिमिक हर हेयर, इसलिए बच्चे लोग उसके विग्स पहनते हैं ताकि वो उसे एनेक्ट कर सके। और फिर चिल्ड्रन, वेदर इट इज बॉयज, उनको मेसी जैसा बनना है, रोनाल्डो जैसा बनना है, एंड दे वांट टू कंपेयर देयर सेल्फ्स विद देयर रोल मॉडल्स, एंड दे ऑल वांट गुड हेयर। तो बेसिकली टुडे माय टॉपिक वुड बी टू बाय, हाउ टू बाय अ गुड शैम्पू एंड हाउ टू सिलेक्ट अ गुड कंडीशनर। तो बेसिकली जब आप कभी भी शैम्पू लेते हैं, और व्हेनेवर वी गो टू बाय अ शैम्पू, वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट इट हैज no paraben and no sulfates. These are the most important things, because paraben and sulfates are not good for our hair and it can damage our hair. और तीसरी important चीज है कि उसमें कभी भी 2-in-1 नहीं लेना चाहिए, कभी भी shampoo and conditioner अपना साथ में नहीं होना चाहिए। Shampoo अलग से होना चाहिए और conditioner अलग से होता है। Shampoo basically अपने scalp को clean करता है, क्योंकि अपने scalp oily होती है तो अपने को oily hair के लिए shampoo लेना चाहिए। अगर अपना scalp dry है तो आपको dry hair के लिए shampoo लेना चाहिए, और shampoo basically अपने scalp को clean करता है। Conditioner जब हम लेते हैं तो conditioner basically अपने hair type के हिसाब से होता है। कलर्ड हेयर है तो कलर्ड हेयर के लिए कंडीशनर होता है, ड्राई एंड फिजी हेयर होते हैं तो ड्राई फिजी हेयर के लिए कंडीशनर होता है। कंडीशनर बेसिकली अपने को बालों के ऊपर लगाना है जो बाल कान के नीचे के होते हैं, अपने को स्कैल्प के ऊपर कभी भी कंडीशनर नहीं यूज करना है। और जब भी आप शैम्पू से अपने हेयर क्लीन करते हो, बहुत नाइसली जेंटली क्लीन करना है, विग्रेसली नहीं क्लीन करना है। स्पेशली जब आप बारिश में जाते हो और बारिश में भीग के आते हो और आपके बाल गीले होते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज शैम्पू योर हेयर नाइसली, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे डस्ट होते हैं, ग्रिम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपके स्कैल्प को बहुत ऑयली बना सकते हैं, डैंड्रफ मतलब प्रोन कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप बारिश में भीग के आते हो तो बाल को धोना मत भूलिए। ऐसे मत सोचिए कि बारिश में गीले हुए हैं तो बाल भी तो गीले हुए हैं। नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर हेयर इफ यू गेट वेट इन द रेन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम बाल धोते हैं तो कभी भी उसको ड्राई आपको ड्रायर से नहीं करना है, उसको जेंटली टॉवल ड्राई करना है, हमेशा टॉवल ड्राई करना है। और बारिश में स्पेशली आपको कभी भी बहुत ज्यादा ये ड्रायर्स और आयरन प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं, बिकॉज उससे आपके बाल हार्म होते हैं और डैमेज होते हैं, क्योंकि बारिश में हेयर फॉल वैसे भी ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मली से। हमने खाली कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कैसे कंडीशनर यूज करना चाहिए और बालों को कैसे ड्राई करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम बालों के बारे में डाइट और सब डू इट योर सेल्फ, घर पे अपन कुछ हेयर मास्क कैसे यूज कर बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।